तो ये दो छोटे छोटे से घर बर्ड्स के रेडी हो गए हैं। मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन मौसम देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि ये 4 या 5 बज रहे हो। बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा है, कैमरे में शायद थोड़ा थोड़ा दिख रहा हो, मैं लाइट में जूम करके दिखाता हूँ, शायद वहाँ से पता चल जाए। ओके, तो देखो ऐसा लग रहा है अभी 4 या 5 बज रहे हो। हाँ, तो अच्छा मौसम हो रहा है, सुहाना ठंडा ठंडा सा, तो रात जल्दी सो गया था दवाई खा के, थोड़ा आराम है अब। बस सुबह जल्दी उठ गया, अभी चाहता हूँ थोड़ा सा वॉकिंग करने के लिए। वॉकिंग करने के आने के बाद थोड़ा सा धूप सेक लेंगे, अगर धूप निकली तो, वैसे उम्मीद नहीं है धूप निकलेगी निकलेगी। वैसे तो नीचे आग जला दी पापा ने, पापा तो डेली नहाते सुबह सुबह, पता नहीं कैसे 4-5 बजे नहा लेते हैं, अभी पूजा कर रहे हैं तो उनके लिए मम्मी ने आग जला दिया था, तो हम जाके आग सेकेंगे। उससे पहले सोच रहा हूँ थोड़ा वॉकिंग करके आ जाऊँ, मौसम भी मस्त हो रहा है, लग रहा है अभी रात हो रही है इसलिए थोड़ा वॉकिंग करके आ जाता हूँ, तो वॉकिंग करने के आने के बाद मिलता हूँ। और मैं ऊपर से आया, कल मैंने बिस्तर लगाया था तो आज दीदी को उठाना नहीं पड़ा, ये खुद उठ गई और सारा बिस्तर लगा रही है। चलो कुछ तो असर हो रहा है मेरे काम करने का, ऐसे लगाओ ऐसे ऐसे करके, तो मेरा वाला तो लगा दिया, दिए अपना लगा रही हैं बस। तो भाई यूँ है दिल्ली का नज़ारा, थोड़ी सी बारिश नहीं हुई और पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। ये तो थोड़ा सही रास्ते पे आ गया, पीछे तो भाई इतना कीचड़ होगा, सुबह से नेक नेक बारिश हो जा रही है, मज़ा आ गया। ये ऑर्डर सारे पैक हो चुके हैं और यार डिस्पैच हो जाएंगे। जैसे ये ऑर्डर आया है यूपी से और ये ऐसे बिहार से आया है शायद से, हाँ ये बिहार से आया है, ये रहा इसका पिन कोड जहानाबाद। तो ये सारे ऑर्डर रेडी हो गए हैं और आज डिस्पैच हो जाएंगे, 2 दिन के अंदर तक आप सबके पास पहुँच जाएगा जिस जिसका ऑर्डर है। अगर आप सबको भी ऐसी बुक्स ख़रीदनी है, जैसे ये पीटर लिंच लर्न टू अर्न हो गया, मार्केटिंग वाला वन वॉल स्ट्रीट हो गया पीटर लिंच की, रिच डैड, ऐसे काफ़ी सारी किताबें हैं, अगर आप सबको किसी को परचेज करनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप परचेज कर सकते हैं और ऐसी पैकिंग होके मस्त आप तक पहुंच जाएगी। तो बस अभी माल रेडी हो चुका है, अभी पिकअप वाले भाई आने वाले हैं और मैंने डिस्पैच कर दिया है, वो आके ले जाएंगे और 2 दिन के अंदर सब जिस चीज़ के ऑर्डर हैं सब तक पहुँच जाएगा। और यहाँ मस्त बारिश का मौसम हो रहा है, बस किसी का मज़ा ले जा रहा है, अभी जाते हैं। टाइम बच गया सर, 2 बजे के करीब हो गया, अभी जाता हूँ नाश्ता करते हैं। खाना आ गया है, गोभी की सब्ज़ी, रोटी, अचार, मिर्च का अचार और आलू की सब्ज़ी, तो ही खाते। तो ऑफिस आने के बाद मैं बस सो गया था और ऑलमोस्ट आज मैं पूरे दिन में सोया हूँ। और उठने के बाद मैंने बाहर देखा कि सुबह से बारिश हो रही है दिल्ली में, आज सुबह से बारिश हो रही है, ठंड तो बेहिसाब है। तो यही देख के मुझे, मैंने फिर बाहर की तरफ देखा तो कुछ बर्ड्स उड़ रही थी, फिर मैंने सोचा चलो उनके लिए कुछ करा जाए, क्योंकि आज तो मैंने कुछ भी नहीं करा कुछ भी। तो अब मैंने सोचा कुछ रीयूजेबल चीज़ से बर्ड्स के लिए घर बनाया जाए। एक तो मैंने बना रखा है, वो रात हो गई इसलिए दिखेगा नहीं, तो अभी मैंने कुछ सामान इकट्ठा करा है घर में ही जुगाड़ करके, अभी उनसे हम एक घर बनाने की कोशिश करते हैं और मैं बताऊँगा कैसे कैसे बनता है। तो उसके लिए मैंने ये ले लिया है, दिखाता हूँ, उसके लिए मैंने ले लिया है 2 बोतल, ये तेल की है, ये पेप्सी की है, ये फेंकने वाले थे तो मैंने इसको रख रखा था, मम्मी से निकलवा लिया। और ये 2 पेपर है, रीयूजेबल पेपर है, इनको फेंकने वाले थे तो यहाँ से ये मैंने ढूंढा। और ये 2 पन्नी है, कोई सी पन्नी हो सकती है ठीक है, और ये 2, ये कुछ रस्सी टाइप में यूज़ हो जाएंगे जो भी है, मुझे नहीं पता क्या ये। तो अब मैं इसको पहले बनाता हूँ फिर धीरे धीरे करके बताऊँ, क्योंकि कैमरा को पकड़ने वाला तो कोई है नहीं, तो पहले थोड़ा थोड़ा मैं बनाता हूँ और थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। इससे हम किसी का घर बना सकते हैं हम, ठीक है, तो मैं बनाता हूँ और दिखाता हूँ। तो मैंने इनको काट दिया है इस शेप में, यहाँ से वो अंदर घुस जाएंगे और यहाँ पे अपना नेस्ट बना सकती है अंदर, प्यारा सा सेम ही है, इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, इसका होल ठीक है, बस इसको अंदर से ठीक से साफ़ कर दिया है, ऑयल की स्मेल ना आए, इसको भी साफ़ कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं लगाता हूँ ये पेपर जिससे ये पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि बर्ड्स को रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद होता है, तो इसको मैं ऐसे कवर कर दूँगा, पहले कवर करता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो इनको मैंने बराबर कवर कर दिया है, अंदर है बोतल, ऊपर कवर,
इसको कवर करने के लिए, और इसको वाटरप्रूफ करने के लिए पन्नी। तो इन दो इन तीनों कर दिया सेम, यहाँ पे कर दिया, दोनों रेडी है। अब इसको बस काम रह गया ऊपर से बांधना और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो पहले बांधता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो ये दो छोटे छोटे से घर बर्ड्स के रेडी हो गए हैं। ये अंदर बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है, अंदर थोड़ा सा सूखी घास रख देंगे अंदर, और फिर थोड़ा उनके लिए सूटेबल हो जाएगा। पीछे से बिल्कुल कवर है जैसे बर्ड्स को चाहिए होता है, और इसको ऊपर टांग देंगे। मैं सुबह दिखाऊंगा कहाँ पे टांगना है, ठीक है। दोनों ऐसे रेडी हो गए बढ़िया से, पीछे से भी ठीक कवर हो गया। बस मैंने इसको थोड़ा जल्दबाजी में बनाया है, बट जो भी है रॉ मटेरियल यूज़ करके, वेस्ट मटेरियल यूज़ करके मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। इनके लिए घर बन गया, अब दो चिड़िया कम से कम रह सकती है अंदर। ऐसे हम रॉ मटेरियल घर में यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं। एटलीस्ट ये रैम रॉ मटेरियल किसी के घर घर बन गए आज, और उनको सहारा देंगे। तो ऐसे हम सबको बनाना चाहिए कुछ ना कुछ। मैं खाली बैठा था तो मैंने ये बना दिया। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप भी ऐसे बहुत सारे नेट्स बनाना और मुझसे भी अच्छे अच्छे बनाना। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया जल्दबाजी में बिना कुछ देखे, ये तो मेरा दिमाग था। आप वीडियो देख के यूट्यूब पर और अच्छी अच्छी वीडियो होती है वो देख के, और इससे अच्छे अच्छे घर बनाना। और मिलते कल अगले ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, सपोर्ट करना।